नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। बोकारो के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत यदुवंश नगर में आग तापने के दौरान मौजूद युवकों में आपस में हुई विवाद को लेकर चाकूबाजी में चास के रहने वाले मोनू की मौत हो गई। घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है, जब यदुवंश नगर में आग तापने के दौरान चार पांच युवकों में आपसी विवाद में एक युवक के द्वारा चाकूबाजी करने के दौरान चास के रहने वाले मोनू को चाकू लगने से घायल हो गया है, जिसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय युवकों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताते हुए चास थाना के पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद गंभीरता से संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगाया है। वहीं चाकूबाजी के दौरान सूचना देने पर काफी देर से आने का आरोप लगाया है। वहीं चास थाना की पुलिस ने सफाई देते हुए घटना से संबंध में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की बात कही। मौके पर पहुंचे चास थाना प्रभारी राम प्रवेश सिंह ने कहा कि पुलिस घटना के संबंध में जांच कर रही है। वहीं चाकूबाजी में मोनू कुमार नामक लड़की की मौत हो जाने से पुष्टि की है। वहीं इस बात चाकू में अन्य लोगों को भी जख्मी होने की बात सामने आई है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। विवाद किस बात को लेकर हुआ है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। बताइए तो क्या? चार लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे यदुवंश नगर फील्ड में, वहाँ पे बाजू में बागल के फील्ड में हम बैठे हुए थे। वहाँ पे ये लोग का आपस में बातचीत चल रहा था, उसी संबंध में कुछ विवाद हो गया। कुछ विवाद के बाद ये लोग क्या हुआ, उसमें से कुछ लोग हथियार लेके खड़े थे, ऐसा मेरे सुनने में आया। और उनकी बहन वहाँ खड़ी थी, उनकी सगी बहन जो कि आवाज़ सुन के वहाँ पे दौड़ी, और वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद वो देखी कि उनके भाई को चार पांच लोग पीट रहे थे, जिनमें कबड़ू निहित छवि और एक दो एक बप्पी और बाकी एक दो अज्ञात लोग थे। एक बप्पी भी था। कहाँ का रहने वाला है लोग? ये लोग इधर आसपास यदुवंश नगर और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो कि वहाँ हमेशा आते जाते रहते या फिर बैठते उठते रहते। क्या विवाद पता चला कि नहीं? विवाद के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली, लेकिन उनकी बहन बता रही है कि वो जब तक पहुंची वहाँ फिर लोग उनके भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से चाकू लगा है? कहाँ चाकू? ऑर्गन पे लगा, उनके चेस्ट पे लेफ्ट साइड में एक जगह और राइट साइड में दो तीन जगह शायद। पुलिस का क्या भूमिका है? पुलिस आई नहीं, यहाँ तक आई नहीं। पुलिस को हम आधे घंटे से और मेरे 20-25 लोग करीबी लोग फोन लगातार किए जा रहे हैं। मेरा खुद का नंबर यहाँ फोन है, मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने 100 नंबर डायल किया और यहाँ पे लोग मौजूद हुए नहीं, ये आप देख सकते हैं। चास थाना की बात कर रही है, पुलिस लिखी हुई है यहाँ पे, अगर मैं दिखा रहा हूँ अंदर, ये 100 नंबर डायल किया हुआ है मेरा, और पुलिस से बात भी हुई लेकिन लोग यहाँ पे आ नहीं रहे, कोई आने को उतारू नहीं है और किन्हीं को कोई खबर सुध बुध लेने का कोई भी चिंता है नहीं। यहाँ चास में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ की प्रशासन उसके लिए जागरूक भी नहीं है। मेरा नाम श्याम शुभम है, तारण से हूँ और मैं उस वक्त में उसी कॉलोनी में मौजूद था। तीन चार लड़का आग ताप रहा था, उसी में आपस में झगड़ा किया है और चाकूबाजी में एक हत्या हो गया, जिसका जो मरा है उसका नाम मोनू है। और घायल कितने हैं? वो मार पीट करने वाला में ही वो एक्यूज पक्ष है जिसको घायल। कितना लोग हैं? एक जो मृतक है उसके परिवार वाले से बात हुई, क्या बता रहे हैं? अभी वही सब बता रहे हैं, अभी डिटेल बात नहीं हुई है, बात होगी फर्द बयान और वगैरह सब होगा तब आगे बताएंगे। पुलिस पर अभी आरोप लग रहा है कि काफी देर के बाद सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची है? ऐसा नहीं है। लगातार सूचना देने के बाद जो है नहीं, हम लोग तो तुरंत सूचना मिली है, पहुंचे हैं, इंजुरी काट के भेजे भी थे, लेकिन इसकी सूचना मोनू की नहीं थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि उसको इधर से हॉस्पिटल ले आया। आगे पुलिस क्या कर रही है? विधि संगत कार्रवाई करेगी। अच्छा सर, रोशन जो जिसको वो चाकू का बता रहा है, मामला दोनों एक ही है क्या? वही मैंने मारा है। हाँ, उसके परिजन तो यही बता रहे हैं, दोनों मामला एक ही है ना सर? हाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।